यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बाराबंकी में एंटी भूमाफिया अभियान पूरी तरह से दम तोड़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि जिन अधिकारियों पर अवैध कब्जा हटवाने की जिम्मेदारी है वो खुद ही दबंगों की बदसलूकी का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो राम सनेही घाट का ये मामला है। राम सनेही घाट इलाके के भिटरिया कस्बे में ये पूरा मामला देखने को मिला, जहाँ पर अवैध निर्माण रुकवाने पहुंचे SDM के साथ दबंगों ने बदतमीजी की और ये सब पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि जमीन को लेकर सरकारी स्कूल और स्थानीय दबंगों के बीच कोर्ट में मामला भी चल रहा है, केस भी चल रहा है, उसके बावजूद भी दबंगों ने जमीनों पर अवैध निर्माण करने की कोशिश की है। वहीं पुलिस ने SDM की शिकायत पर दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो अपने आप में हैरान कर देने वाला ये मामला है कि जिन अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी है कि वो भूमाफिया जो कि अवैध निर्माण कर रहे हैं किसी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश है, कोर्ट में वो मामला है, उसी अधिकारी से बदसलूकी कर रही है दबंग और पुलिस वहां पर मौजूद थी सिर्फ जांच के लिए। अब पुलिस बातें कह रही हैं, SDM ने सीधी शिकायत दर्ज करवाई है। देखना होगा कि पुलिस इन भूमाफियाओं पर किस तरह की कार्रवाई अब आने वाले समय में कर पाती है। आज ही मामला संज्ञान में आया है। ये मामला विद्यालय की जमीन और एक दर्ज खातेदार का रहा है। समस्या इस बात की है कि यहाँ पे जो 219 नंबर गाटा है वो दर्ज खातेदार का ये कहना है कि वो उसका है, क्योंकि सीमांकन उसका हुआ नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि अब उसकी जमीन में इसका निर्माण किया गया हो रहा है। इसी को लेके मैंने मौखिक आदेश पहले यशो को दिया कि इस कार्य को रुकवा दे, उसकी पैमाइश करा लें, सीमांकन करा लें अपना, उसके आधार पे वो अपना निर्माण कराएं।